जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। हाजीपुर में क्राइम का ग्राफ हाल के दिनों में बढ़ गया है। शनिवार को एक बार फिर अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हाजीपुर के जंदाहा थाना क्षेत्र के रामप्रसाद चौक स्थित कैनरा बैंक के एटीएम से दिन दहाड़े अपराधी करीब 22 लाख रुपए लूटकर भाग निकले। 4 से 5 की संख्या में अपराधी बाइक से वहां पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, ठीक उसी समय वैशाली एसपी जिले के थानेदारों और पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर रहे थे। एटीएम से 22 लाख रुपए की लूट की जानकारी मिलते ही एसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जंदाहा थाना क्षेत्र के रामप्रसाद चौक पर स्थित कैनरा बैंक के एटीएम में कल यानी शुक्रवार को 22 लाख रुपए डाले गए थे। एसडीपीओ पूनम केसरी ने बताया कि अपराधी ग्राहक बनकर एटीएम पहुंचे थे, इसी दौरान वे लोग एटीएम से पैसे लेकर भागे हैं। उन्होंने बताया कि एटीएम में कितने रुपए थे इसका अभी पूरा पता नहीं चल सका है। लगभग 20 से 22 लाख रुपए की लूट का अनुमान लगाया जा रहा है। एसडीपीओ ने कहा कि हेड ऑफिस से निकासी की जांच की जा रही है। इस मामले में बैंक की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस ने जांच अभियान शुरू कर दी है।